और हमारे साथ जोधपुर से शुभम वर्मा लाइव जुड़ गए हमारे साथ। 407वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। शुभम, सबसे पहले आपको बधाई इंडिया न्यूज की तरफ से। जी धन्यवाद, थैंक यू। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही, कैसा महसूस कर रहे हैं इस उपलब्धि को पाकर? जी काफी अच्छा महसूस हो रहा है, खुद की खुशी तो है ही, और साथ में जो मेरे साथ में मेरे फादर हैं उनकी खुशी देखकर मुझे बहुत ज्यादा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने आज से पहले शायद उनको कभी इतना अच्छा इतना खुश नहीं देखा, इसलिए अच्छा लग रहा है। और श्रेय आप किसको देना चाहेंगे इस उपलब्धि का? जी ये उपलब्धि सिर्फ मेरी नहीं है, इसमें कई लोगों का पूर्णतः योगदान है जी। सबसे पहले मैं अपने माँ बाप का नाम लेना चाहूंगा, श्री मनोज कुमार वर्मा जी जो कि साथ में बैठे हुए हैं, और श्रीमती वर्षा वर्मा जी जो इस समय इंडिया में नहीं है, बाहर गई हुई है मेरी सिस्टर के पास। साथ में मैं अपनी सिस्टर का नाम लेना चाहूंगा शिवांगी सोनी, और उनके हस्बैंड सौरभ सोनी जी, उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा पूरा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। साथ में मैं अपनी प्रीति शर्मा का नाम लेना चाहूंगा, और इस समय मेरा एक बेस्ट फ्रेंड जी, और बाकी सारे लोग जो मेरे परिवार के हैं, मेरे दोस्त हैं, सबका अपना अपना योगदान रहा है, उनके योगदान। और शुभम, एक सवाल मेरा आपसे यह भी रहेगा कि किस तरीके से आपकी जो पढ़ाई है उसका शेड्यूल रहा करता था, कैसे आप प्लानिंग करते थे अपनी पढ़ाई की? जी प्लानिंग डिफरेंट फेजेस में, क्योंकि एग्जाम होता है तो डिफरेंट फेजेस में प्लानिंग थी, तो प्रीलिम्स के हिसाब से 3 महीने पहले प्लानिंग की गई थी। पहले 2 महीने जो थे वो पूरा सिलेबस रिवीजन किया गया था, और उसके बाद 1 महीने टेस्ट पेपर लगाए गए थे, और मेंस के लिए मैंने ऑप्शनल पे काफी ज्यादा ध्यान दिया था, जिस वजह से मेरा मेंस क्लियर हो पाया है। और उसके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर करिए, और साथ में मैं टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया था जिससे मेरे को काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। इंटरव्यू के लिए मैंने काफी मॉक इंटरव्यूज दिए जिससे मुझे इन जनरल उसका इंटरव्यू बोर्ड का आइडिया लग गया, ऐसी मेरी प्रिपरेशन रही। क्या बचपन से आपका ये इरादा था कि यूपीएससी का एग्जाम आपको क्लियर करना है? जी बचपन से तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन काफी थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मेरे फादर खुद एक सिविल सर्वेंट है, जब मैं उनके साथ ऑफिस में गया, उन काफी सीनियर ऑफिसर से मिला, तो मुझे भी काफी प्रेरणा मिली उनके जैसे बनने की, मेरे को काफी प्रभावित हुआ मैं उनसे, जैसे वो इन्फ्लुएंस रखते हैं समाज पर जी। तो उनका देख कर ही मैंने सिविल सर्विस परस्यू करने का सोचा। शुभम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके फादर भी सिविल सर्विस में हैं, तो क्या आपको पहले से उनसे प्रेरणा मिलती रही होगी इस पढ़ाई के लिए? हाँ जी बिल्कुल, पढ़ाई के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। मेरे फादर खुद एक ऐसे हैं हमारे घर में जिन्होंने खुद नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं पढ़ाई के फील्ड में। हमारा परिवार वैसे बिजनेस में ज्यादा है, तो मेरे फादर आगे निकल के खुद पढ़ पाए, इतने आगे जाके ऑफिसर बन पाए, तो वो मेरे लिए हमेशा से ही प्रेरणा का स्रोत रहे हैं शुरू से। शिवम, बाकी छात्रों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी छात्रों के लिए मैं सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहूंगा कि नेगेटिव थिंकिंग ना रखें, क्योंकि आपको कभी भी नहीं पता कि आप कितना अच्छा करके आए हैं वहां पर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरी रैंक आ जाएगी, और ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा अंडर 500 रैंक देख के। तो जब और साथ में जब माँ बाप की खुशी देखने को मिलती है तो वो अलग ही मंजर होता है, उसको आप कभी बयान नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल इतना खुश नहीं था, लेकिन सबकी खुशी देखकर मुझे वो ये लगा कि बहुत अच्छी चीज मैंने हासिल करी आज। शुभम, मैं चाहूंगा कि आपके फादर हमसे बात करें और हम जाने कि किस तरह से उनको महसूस हो रहा अपने बेटे की इस उपलब्धि पर। हाँ जी 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 सर, सबसे पहले आपको बधाई आपके बेटे की इस उपलब्धि पर। सर पहला रिएक्शन आपका क्या कुछ रहेगा? बस कुछ नहीं था, चीयर्स था एक पहला रिएक्शन, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए जी। और मैं तो कहता हूँ ये हमारे सपना था इस तरह से कि ये एक हमारा बेटा है कोई नए कीर्तिमान बनाए। हमारे परिवार में सर्विसेज में रहे, वैसे बिजनेस एंड है हमारा ज्यादातर, लेकिन अब ये इस लेवल पे है तो मैं समझता हूँ कि हमारे परिवार में क्या खानदान में भी शायद ये पहला शख्स है जो इस लेवल पे पहुंचा है। तो बस चीयर्स के अलावा और तो कुछ नहीं है, बस चीयर्स। तो सर क्या आपने सोचा था कि आपके बेटे को बड़ा होकर आप क्या बनाना चाहते हैं?
नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा हमने इनके ऊपर ही छोड़ दिया था, ये करना चाहें जो भी करें। मेरा तो मानस ये था कि शायद ये मेडिकल फील्ड में जाएं, लेकिन इन्होंने जो है ये चॉइस सुनी कि वे इंजीनियरिंग बनेंगे, तो आईआईटी क्रैक किया इन्होंने और आईआईटी धनबाद से बीटेक एमटेक किया। उसके बाद में फिर अचानक ही बीच में इनका दिमाग ये डाइवर्ट हुआ कि इन्होंने सिविल सर्विस में जाना है, और सर उसके बाद में वो प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो जो जी जो जो कुछ भी किया है इन्होंने इनकी अपनी मर्जी से किया है, हमने कोई भी चीज इनके ऊपर ना तो थोपी है और ना कभी ये रहा कि भाई हमें क्या बनाना है। और मेरे एक सवाल आपसे ये भी कि धौलपुर जैसा इलाका जहां पर संसाधनों की कमी है, पूरी तरीके से शायद पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए संसाधन उपलब्ध ना हो, और ऐसे जगह पर रहकर इस उपलब्धि को हासिल किया आपके बेटे ने, तो किस तरीके से मैनेज किया हुआ ये सब? हमने फैमिली को एक जगह रखा और इनको जो है जहाँ बेस्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती थी वहाँ उनको कराया, जैसे इनको दिल्ली भेजा, दिल्ली में कोचिंग वगैरह जो उन्होंने की और वहीं पर उन्होंने तैयारी की और इसी हिसाब से कराया। तो धौलपुर में एज सच इस लेवल की कोई ना तो कोई कोचिंग है ना कोई इंस्टीट्यूट है इस तरह का जो इनको कोई सपोर्ट कर सकता, लेकिन किया मैनेज, कैसे भी किया मैनेज हुआ है, और अल्टीमेट जो रिजल्ट है तो रिजल्ट उसके बाद में सब कुछ अच्छा लगता है। यानी कि आपकी तरफ से कोई बाउंडेशन, कोई बंदिशें शुभम के लिए नहीं थी, और जो उनकी इच्छा पढ़ाई करने की थी आपने छूट दे रखी थी, जो वो चाहे कर सकते हैं, और उसी का शायद ये नतीजा कि आज आपका नाम भी रोशन किया शुभम ने। जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, मानता हूँ, क्योंकि कोई बंदिश नहीं थी हमारी तरफ से, जो इन्होंने चाहा और जैसे चाहा वो करने के लिए ये बिल्कुल फ्री थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और ऑब्वियस है कि नाम रोशन हुआ है तो है ही, ये परिवार का नाम रोशन हुआ, हमारा सबका नाम रोशन हुआ। तो क्या सर बाकी जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों के ऊपर कोई भी बाउंडेशन ना रखें, और जिस पढ़ाई में उनका उनकी रुचि रहती है, जिसमें उनका मन लगता है, वही उनको करने दें, ताकि कॉन्सेंट्रेट एक सब्जेक्ट पर अच्छा रहे किसी भी छात्र का? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि वो इतना ब्रिलियंट एकेडमिक में हो, कई और चीजें भी हो सकती हैं उसमें भी होता है, तो उसको जो उसकी चॉइस है वो करने दें, ताकि वो अपने मन लगा के कर सकेगा और वो अपने फुल जो भी 100% देने की कोशिश करेगा। ठीक सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया।